अगर आप कैंगन में इन्वेस्ट करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट इज़ फॉर कैंगन डिवाइस जो 15 से 25 साल का लाइफ स्पैन है, कंपनी 5 साल की वारंटी देती है, लेकिन ये मशीन ये इतना रोबोस्ट है, इतना स्टडी है, जैपनीज मेड, ISO 13485, यानी ये एक मेडिकल डिवाइस है, इसीलिए इसके अंदर के सारे पुर्जे एवरी पार्ट इज एब्सोल्युटली मेडिकल ग्रेड, ग्रेड 1 मटेरियल का होगा। इसमें लगे हुए टाइटेनियम प्लेट्स जो प्लैटिनम में डिप किया हुआ, ये सारे चीज मेडिकल ग्रेड है, यानी 99% प्योर, प्लस इट्स जैपनीज मेड, प्लस इस डिवाइस के अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है जिसके वजह से वेयर एंड टेयर हो मशीन का, तो इसीलिए मशीन का लाइफ स्पैन जो है देखा गया है 15 से 25 साल तक है। तो अगर 15 से 25 साल तक अगर एक एवरेज 20 साल का भी अगर हम रखते हैं तो भी एक 3.5 लाख से लेके 4 लाख का इन्वेस्टमेंट क्या है, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे बॉडी को फिजिकली अच्छा कर देता है, जो हमारे बॉडी में फिजिकली अच्छा पानी डाल रहा है, हम रोज कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल अनुभव है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, और इसे कोई भी तरीके से आप मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन मत समझिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आज देख रहा हूँ, आज लॉकडाउन में, आज कोरोना, आज कोविड के इस पैंडेमिक में मैं देख रहा हूँ लोग भाग रहे हैं, हॉस्पिटल्स में एडमिशन करने के लिए भाग रहे हैं, इलाज करने के लिए जा रहे हैं, ज़रा सा पॉजिटिव हो गए तो उनको जाके हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट होना है। अब मुझे बताइए, अल्टीमेटली इसका वैक्सीनेशन भी ट्रायल स्टेज में है, एंड आप किस तरीके से हॉस्पिटल में पूरी तरीके से एडमिट होके सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड करें, आपकी बॉडी ही रिकवर करती है। हमने देखा, मेरा पर्सनल, मेरे बहुत से नज़दीक के ऐसे लोगों को मैंने देखा है कोविड में फाइट करते हुए, जिन्होंने अपने आप को अच्छे तरीके से हेल्दी रखा इस कोविड के इन्फेक्शन के बाद भी, और रिकवर कर दिया, घर पर रिकवर किया उन्होंने। सो अल्टीमेटली मेरा अपना समझ है, मेरे अपने समझ के हिसाब से, माई ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वायरस, अबाउट कोविड वायरस इज दैट वी हैव टू कीप, हमें अपने बॉडी को ठीक रखना होगा, हमारे बॉडी को हेल्दी रखना होगा, और वो होता है हमारे मेंटल एबिलिटी से और बॉडी के फिजिकल स्ट्रेंथ से। इस पर हम अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छे विचारों से अगर हमने काम किया तो डेफिनेटली आवर बॉडी रिकवर्स, आवर बॉडी फाइट्स ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। तो मेरे दिल से आपको एक अपील है कि आप ओवरनाइट इस बीमारी, इस कोविड को फाइट नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे अपने बॉडी को, अपने माइंड को सक्षम बनाना होगा। यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ लाइफस्टाइल चेंज, अपने ज़िंदगी की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ देखने का नज़रिया चेंज करना होगा। दूसरों के प्रिस्क्रिप्शन पे, दूसरों के कहने से ज़्यादा अपने बॉडी के कहने पे अगर हमने ध्यान दिया, कब कितना पानी पीना है ये हमारे बॉडी हमें बोलती रहती है, हम उसे इग्नोर करते हैं। हमारे बॉडी में एक बेसिक सा मेंटेनेंस लगता है, एक सिंपल सा सूर्य नमस्कार भी आपने 15 मिनट का अगर मॉर्निंग में उठ के कर लिया तो आपकी बॉडी में एनर्जी देखिए क्या आती है। दीज आर ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड आई थिंक एवरी वन, ये हमें आज कोविड सिखा के जा रहा है कि यू कैन नॉट इग्नोर योर ईटिंग हैबिट्स, योर ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड योर हेल्थ, योर फिजिकल हैबिट्स। सो बार बार आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लाइफ स्टाइल। आपको कैंगन एक चीज़ नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक ट्रू हेल्थ हमें तभी अचीव हो सकता है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर आज आप अपने बॉडी में बेहतर पानी डालते हो कैंगन, फिर आपके सब्जियों में से 11.5 जो हाईली अल्कलाइज पानी है कैंगन का, उससे सब्जियों से आप पेस्टिसाइड्स हटाते हो, फिर 2.5 पीएच का जो इसका सैनिटाइज़र पानी है वो यूज़ करते हैं, और जो नॉर्मल केमिकल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसे नहीं यूज़ करते, तो आपके बॉडी में केमिकल्स कम जा रहे हैं। आप ढंग से 3.5 से 5 लीटर का पानी पीते हैं, एक पुरुष मेल शुड ड्रिंक एटलीस्ट 5 लीटर्स वाटर अ डे, और एक 3.5 लीटर, कम से कम 3.5 से 4 लीटर एक महिला ने, एक वेमेन शुड ड्रिंक डेफिनेटली 3.5 लीटर to 4 लीटर वाटर्स अ डे। ये अगर सिंपल सी चीज़ें आप करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके लाइफ में से केमिकल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपके बॉडी हाइड्रेट अच्छी तरीके से हो रहा है, और धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सो दैट्स अ बेसिक इन्वेस्टमेंट। यस, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट्स अ जेनरेशन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि आप मशीन बेचने के लिए ये सारी चीज़ें कह रहे हैं क्योंकि आप कैंगन के एक इंडिपेंडेंट फ्रेंचाइजी हो, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली हम आपसे ये नहीं कह रहे कि इसे खरीदिए, हम आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे बेटर ऑप्शन क्या है।